जो दूसरों पे लालचन लगाने से पहले खुद के गिरेबा में जाके ये देखें मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इस प्रकार का मानसिक संतुलन मुझे लगता है कि उनको किसी आश्रम में रहना चाहिए क्योंकि उम्र पिचासी साल की हो चुकी है उनकी अब उनके बस की बात नहीं है कि। और पाँच साल दबा के मलाई कुट्टी इस व्यक्ति ने एक चिट्ठी रखते हैं वो चिट्ठी पता नहीं कहाँ दबा रखी है दस बारह चिट्ठियाँ पंद्रह चिट्ठियाँ दबा के रखी हैं वो अपनी चिट्ठी जारी कर देते हैं और अब जे जेपी पार्टी में आप देख लीजिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अब ये बहुत जल्दी पार्टी छोड़ने वाला है ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ लिख के मैं दे सकता हूँ ये बात कि ये इस पार्टी को भी धोखा क्योंकि इनकी फितरत है इनके खून में ये फितरत है कि ये व्यक्ति कहीं एक जगह जिस जो जो इसका भला करता है ये उसका हो ही नहीं सकता जो इसका भला करेगा जो इसको खिलाएगा ये उसी की थाली में छेद करेगा नमस्कार चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है इस समय हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजीत फोगाट हमारे साथ मौजूद हैं आखिर इनका क्या कहना है सर सबसे पहले नमस्कार सर नमस्कार आपके चैनल को भी नमस्कार देखिए जिस प्रकार से पिछले दो दिन पहले यहाँ के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने हमारी जनप्रिय नेता जिसको प्रदेश में शेरनी के नाम से जानते हैं और एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने इस पार्टी को 40 साल जीवन के दिए अपने कुछ ज़्यादा ही होंगे इससे और 17 साल से वो हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा कर रही हैं एक ऐसे व्यक्ति जिसका खुद खुद का निराधार आ, कुछ भी आधार नहीं है जिनका जो कभी नेता नहीं बन पाए दादरी के लिए कभी कुछ कर नहीं पाए दादरी को कभी कोई बड़ी सौगात नहीं दिला पाए जो कि कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे अजगा पार्टी को धोखा देके कुलदीप बिश्नोई की पार्टी को धोखा देके उससे पहले उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी को धोखा दिया चौधरी बंसी जी ने उनको यहाँ से विधायक बनाने का काम किया था यहाँ से उन्होंने टिकट दी उनका खुद प्रचार करने के लिए चौधरी बंसी जी आते थे और उन्हीं की बेटी का उन्हीं की पती का उन्होंने 2009 के चुनाव में यहाँ मुखालपत की पार्टी में और कैसे व्यक्ति मैं ये कह सकता हूँ कि जो दूसरों पर लालचन लगाने से पहले खुद के गिरेबा में जाके के ये देखें कि आप इस दादरी विधानसभा के लिए आपने आज तक क्या किया है तो एक ऐसी नेता के प्रति इस प्रकार के बयान देना मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इस प्रकार का मानसिक संतुलन मुझे लगता है कि उनको किसी आश्रम में रहना चाहिए क्योंकि तो उम्र पिचासी साल की हो चुकी है उनकी अब उनके बस की बात नहीं है कि भी किसी भी प्रकार की कोई भी बातें जो मतलब एक ऐसी विचारधारा को प्रस्तुत करती है जो एक आदमी की मानसिकता को झलकाने का काम करती है उनकी मानसिकता एक बहुत अच्छी मानसिकता जो गिरीवी मानसिकता है उसका परिचय उन्होंने दिया है इस प्रकार का बयान देकर कि मुझे 2019 में टिकट मिलने वाली थी किरण चौधरी ने उनकी टिकट कटवाई उनकी हैसियत नहीं थी टिकट लेने की क्योंकि पार्टी ने पहले ही उनको मना कर दिया था कि अब आप आराम करिए आपकी उम्र अस्सी साल हो चुकी है अब आपको इस पार्टी के अंदर क्योंकि पाँच साल जिस प्रकार से उन्होंने अपने अजका की टिकट पे जब वो जीत के आए थे और उसके बाद पार्टी ने 2009 से 14 तक जब वो एमएलए रहे और 14 में दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दी लेकिन मात्र 15000 वोट उनको कांग्रेस पार्टी की टिकट पे मिले थे तो ये इस दादरी के लोगों का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी व्यक्ति को टिकट दी 2014 के अंदर जो मात्र पंद्रह हजार वोटों में सिमट गए अजीत जी एक बात बताइए उनका तो कहना है कि जो किरण चौधरी है उन्होंने धर्मवीर से हाथ मिला के जानबूझ को अरवाया था उनको उनकी इतनी ऐसीियत नहीं है कि धर्मवीर से किरण चौधरी जी को हाथ मिलाना पड़े ये तो दादरी की जनता ने ही तय कर दिया था और किरण चौधरी जी का अपना एक वजूद है वो जिसके बारे में अगर एक शब्द भी बोलती है तो उनके मायने होते हैं और धर्मवीर इस पूरे प्रकरण के अंदर कहीं मैटर नहीं करता कि किरण चौधरी को धर्मवीर से हाथ मिलाना पड़े ये एक बहुत अच्छी मानसिकता की सोच है उस व्यक्ति की जो इस बार इस प्रकार की मानसिकता रखता है ये तो दादरी के लोगों ने जवाब दे दिया था पंद्रह हज़ार वोट उनके जब आए थे क्योंकि 2009 में जब वो एमएलए बने कांग्रेस हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के टिकट पर और जब कांग्रेस के अंदर वो जाके साठगाठ करके पता नहीं क्या क्या साँट उन्होंने किन किन शर्तों पर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था छः व्यक्ति हरियाणा जनहित कांग्रेस के चुनाव में जीते थे एक कुलदीप बिश्नोई पाँच लोग और थे ये पांचों के पांचों कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे और इन लोगों ने मंत्री पद की लालसा और कांग्रेस पार्टी ने वो सभी पद दिए इन्होंने अपने परिवार को भी संरक्षण देने का काम किया मलाई जो बोलते हैं अपने परिवार के सदस्यों को तो लाभवान जो पद होते हैं सभी को अपने अच्छे ऐसे पदों पर रखा खुद भी मंत्री रहे और पांच साल दबा के मलाई कुटी इस व्यक्ति ने और एक ऐसी मानसिकता इन्होंने दर्शाई है और इसका जवाब ही था ये दादरी की जनता की आपने पांच साल दबा के जो मलाई खाई उसका जवाब इसको पंद्रह हजार वोट मिले दो हजार में ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पे मिले कांग्रेस पार्टी ने देख लिया कि 2019 में ये व्यक्ति दादरी का भला नहीं कर सकता दादरी के लिए कोई सौगात नहीं लेके आए कोई गवर्नमेंट कॉलेज इन्होंने बनवाया हो दो हज़ार नौ से चौदह के बीच में कोई स्टेडियम इन्होंने बनवाया हो कोई फोर लाइन इन्होंने बनवाया हो कोई बड़ी इंडस्ट्री इन्होंने कोई यहाँ लगवाई हो सी का बहुत बड़ा मसला था वो इन्होंने बनवाया हो दादरी जिले की बहुत बड़ी मांग थी वो इन्होंने करवाई हो क्योंकि ये मांग रखते ही नहीं थे पार्टी के सरकार के आगे कोई मांग रखते नहीं थे ये सिर्फ दो ही मांग रखते थे मुझे अच्छी मलाई कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी और अपने परिवारिक सदस्यों को जो दामाद थे या कोई और व्यक्ति थे इसके परिवार के उनको मलाईदार पदों पर बिठाने का काम कैसे हो यही इन्होंने एक अपनी शर्तें थी पार्टी के अंदर पाँच साल ये रहे पाँच साल में दादरी के लोगों का कोई भला नहीं किया इस व्यक्ति ने तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की सोच जो रखता हो जिस परिवार की पूरे प्रदेश के अंदर इस बात से चर्चा होती है कि इस परिवार ने इस पूरे चौधरी बंसीलाल परिवार ने पूरे प्रदेश के अंदर अपने खून पसीने से इस प्रदेश को सींचने का काम किया हो और सतपाल सांगवान जैसे व्यक्ति को इस प्रकार की सोच रखता हो जो ऐसे लालचंद उस परिवार के ऊपर लगाता है जिस परिवार ने उसको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया उनकी पोती का जो है पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को खिलाफत करने वाला तीन तीन इलेक्शन में यही व्यक्ति है और उसी परिवार ने आज इसको यहाँ तक बैठाया तो मैं तो एक ऐसे व्यक्ति की मानसिकता की बहुत इस बात के लिए पुरजोर विरोध करता हूँ इस बात का कि आप आप, आप आश्रम में रहिए अपना जो जीवन बचा है दो चार पाँच साल उसको अच्छे व्यक्तित्व तो के साथ आप अपना व्यतीत कीजिए ना कि इस प्रकार के अन्गर बयान दे के अपने आप की सेहत खराब करें तो यही आज इस बात के लिए आपसे चर्चा की थी कि इस प्रकार के बयान ना दें अच्छा सर एक बात बताइए जो सतपाल सांगवान है पूर्व मंत्री उनका कहना है कि जब बंसी लाल मृत्यु से यहाँ पर लेटे थे उस समय जो किरण चौधरी है वो बाहर घूमने का काम कर रही थी देखिए ये कोई भी आरोप जिस प्रकार की इन्होंने लगाया है उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इस प्रकार की एक दुखद घटना इस परिवार के साथ हो जाएगी आप यकीन नहीं मानेंगे उन्होंने उसी वक्त चार्टेड फ्लाइट जिसमें कि फ्लाइट नहीं मिल रही थी उसी रात चार्टेड फ्लाइट लेके मैडम किरण चौधरी जी रात को वहाँ पहुँची हैं और पूरे परिवार को संभालने का काम किया पूरे परिवार के साथ उन्होंने तो ये कोई अनर्गल बयान है इन बयानों के ऊपर कोई मैं ये कह सकता हूँ कि, कि किसी भी प्रकार का औचित्य और संबंध नहीं रखता क्योंकि पारिवारिक लालचन लगाना मैं ये कह सकता हूँ कि औकात से बाहर है उनको अपनी औकात में रह के किसी भी प्रकार का बयान देना चाहिए और ये एक आ, मैं कह सकता हूँ गंदी मानसिकता भी हो सकती है तो इस प्रकार की गंदी मानसिकता ना रखें कि उस परिवार के साथ जो घटना घटी उसमें कहाँ क्या हुआ वो इस प्रकार की बातें मीडिया के आगे ना लेके आए वो खुद एक ऐसे मतलब व्यक्तित्व के मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति हैं जिन्होंने दो उन्नीस सौ छियानवे में, में चौधरी बंसीलाल जी की टिकट पर चुनाव लड़ा उन्होंने उनको विधायक बनाया और उसी पार्टी को धोखा देने का काम किया दो हज़ार नौ में उनकी पोती का विरोध किया उन्होंने खिलाफत की मुखालपत की उसके बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा विधायक बने आपको पता है दल बदलू कानून के तहत कोर्ट ने भी उनको जो है निष्कासित किया गया और आज भी कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट इस बात का लिखित में ये दिया कि इन लोगों ने दल बदलने का काम किया जो कि बिल्कुल गैरकानूनी कार्य था और कुलदीप बिश्नोई की पार्टी पे टिकट पे चुनाव जीतने वाले ऐसे व्यक्ति ने जिसने अपने आप को बेचने का काम किया इस दादरी की जनता को बेचने का काम किया दादरी की जनता को बेचने का काम किया फिर कांग्रेस में आ गए कांग्रेस में आने के बाद पाँच साल आपने क्या किया पाँच साल सतपाल सांगवान ने दादरी की जनता की भलाई के लिए कौन से काम किए कोई कॉलेज नहीं बनवाया कोई स्टेडियम नहीं बनवाया कोई फोर लाइन नहीं बनवाया दादरी ज़िले की बहुत बड़ी मांग थी पाँच साल में कहाँ थे ये सरकार चाहती थी बहुत सारे विधायक का एक अपना वजूद होता है विधायक जब अपनी बात रखता है तो सरकार की मजबूरी होती है विधायक को सारी सौगात देने की अगर वो पहल करते हैं तो ये सारी चीज़ें दादरी जनता को मिलनी थी जो आज तक नहीं मिल पाई तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे अच्छे मलाईदार पदों पे अपने बच्चों को रखने के लिए अपने खुद को मंत्री पद अपने उस पर मलाईदार पद पर रखने के लिए सिर्फ कांग्रेस के अंदर जमे रहे और जी जब इनको लगा कि अब कांग्रेस में दाल गलने वाले नहीं है तो आप ये देखिए आज कौन सी पार्टी में वो वो तो ये कह रहे कि कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है कांग्रेस तो कुछ बची नहीं कांग्रेस तो एक बहुत बड़ी पार्टी है समंदर है कांग्रेस पार्टी तो और कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का जो सपना लेते हैं वो मुंगेरी लाल के सपने हैं तो वो मुंगेरी लाल के सपने वो लेना बंद कर दें कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इस पार्टी को खत्म करने की जो सोचते हैं अगर कोई किस प्रकार की अगर मानसिकता रखते हैं तो वो उनका वहम हो सकता है और कुछ भी नहीं देखो उस परिवार ने तो इस व्यक्ति को इतना कुछ दे दिया कि आज उसकी परिवार की वजह से आज इस व्यक्ति की ये पहचान है अगर इस प्रकार की मानसिकता ये व्यक्ति रखते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत गंदी मानसिकता है इन्होंने अपने आप को खुद को पता नहीं कितनी बार बेचने का काम किया है और वो खुद नहीं बिके दादरी की जनता को बेचने का काम किया है अब आप देखिए कि तीन साल से मैंने अभी आपको बताया कि हरियाणा विकास पार्टी में रहे फिर इन आ, उस पार्टी के खिलाफ इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा हरियाणा विकास पार्टी के खिलाफ फिर उसके बाद इन्होंने हरियाणा जन कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा उसको बेच करने का काम किया फिर उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी में रहे कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए फिर उन्होंने जिसमें कि लोगों ने इनको अपनी इनकी खुद की हैसियत बता दी थी कि आपकी औकात क्या है पंद्रह हज़ार मात्र वोट इनके आए थे कांग्रेस पार्टी ने अगर अगर इतना छः काम अगर इन्होंने किए होते तो पंद्रह हज़ार वोट थोड़ी आते उसके बाद आज ये जजपा के अंदर है जे जे पी पार्टी जो है दुष्यंत चौटाला की एक जिले की पार्टी है और उस पार्टी को राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा जो है इनको दे रखा है उस पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव के दर्जे के ऊपर ये बैठे आज तीन साल सरकार को होने को आए दादरी के लिए बता दीजिए मुझे कौन से काम किए एक काम ये गिनवा दें दादरी के अंदर तीन साल के अंदर क्योंकि इनकी डिप्टी सी एम है ग्यारह महकमे इनके पास हैं और बहुत बड़े बड़े महकमे हैं रोड के भी हैं पी डब्ल्यू डी बी एंड आर के भी हैं और बहुत सारे इनके पास अच्छे महकमे हैं कौन सा कार्य इन्होंने दादरी के दादरी का हालात आप देखिए जाके कोई भी रोड दादरी का सुरक्षित नहीं है दादरी के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मुझे ये लगता है कि हम कहीं नरक में आ गए दादरी की शिविर व्यवस्था आप देख लीजिए नालियों की जो दुर्गति है वो देख लीजिए सफाई व्यवस्था है वो देख लीजिए तो कोई भी व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है तीन साल से पद पर बैठे हैं यहाँ भी सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि अपने दामाद को और अपने बेटों को कहीं अच्छी पोस्टिंग पर रखना है इस पार्टी के अंदर सिर्फ जब समय नज़दीक आएगा तो जल्दी कूदने वाले है इस पार्टी से भी ये भी मैं आज आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत जल्दी इस पार्टी से कूदने वाले हैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ लिख के मैं दे सकता हूँ ये बात कि ये इस पार्टी को भी धोखा देंगे क्योंकि इनकी फितरत है इनके खून में ये फितरत है कि ये व्यक्ति कहीं एक जगह जिस जो जो इसका भला करता है ये उसका हो ही नहीं सकता जो इसका भला करेगा जो इसको खिलाएगा ये उसी की थाली में छेद करेगा तो ये व्यक्ति किसी का हो ही नहीं सकता तो अब जे को भी बहुत जल्दी धोखा देने वाले हैं तो दुष्यंत चौटाला कोई बात को बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए इसको पार्टी से निकाल देना चाहिए इन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया है तो ये राजनीति से प्रेरित बयान है नहीं तो इस प्रकार के बयान देने का कोई मतलब बनता नहीं ये पूरा का पूरा बयान इनका राजनीति से अब वैसे तो बोल रहे हैं संन्यास ले। ले। लेकिन संन्यास क्या होता है संन्यास होता है आप किसी भी राजनीतिक गतिविधि में किसी प्रकार के बयान में आप शामिल ही नहीं हो सकते आप अपना जीवन को अच्छे से सामाजिक कार्यों में लगाओ दादरी के अंदर बहुत ऐसे सामाजिक संगठन है कोई किसी एक सामाजिक संगठन के साथ जाके कहीं किसी कोई समाज की भलाई का काम किया हो तो बताइए आप मुझे पहले कांग्रेस में थे और आपने कहा इन पर आरोप लगाए दल बदलू के तो कांग्रेस में इनके बंसीलाल से भी काफी घनिष्ठ संबंध बता रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी से जीत भी मिली है हार भी मिली है लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी को इन्हें छोड़ना पड़ा कांग्रेस पार्टी में इन्होंने 2014 में टिकट मिली 2009 में ये हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े थे वहाँ से एमएलए बने थे कांग्रेस पार्टी ने इनको मान सम्मान दिया इनने इन इन्होंने जो भी कांग्रेस पार्टी के मुखिया को कहा वही इनको काम इनके हो जाते थे पाँच साल ये रहे लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी ने इनको इतना मान सम्मान दिया इनके दामादों को अच्छे पोस्टिंग पे रखा इनके बेटों को अच्छी पोस्टिंग पे रखा और जो इनके पारिवारिक सदस्य थे उनको अच्छी पोस्टिंग पे रखा इनको मंत्री पद का जो है दिया सम्मान दिया इनको जो पोस्टिंग पे रखा अच्छे पदों पर वे आउट ऑफ रूल या रूल के अंडर में रखा ये हरियाणा में ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ हर व्यक्ति जाना चाहता है गुड़गावा जैसी जगह जिसको बोलते हैं मिलेनियम सिटी हर व्यक्ति वहाँ अपना आरामदायक जीवन बिताना चाहता है आप पिछला रिकॉर्ड उठा लीजिए कितने साल उनकी पोस्टिंग रही इनके कार्यकाल के दौरान आपको खुद रिकॉर्ड में पता चल जाएगा तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ना कि कांग्रेस पार्टी को धोखे में रखा कि इस व्यक्ति क्योंकि कांग्रेस पार्टी छः एम के ऊपर आधारित आधारित थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास चालीस एम थे और इन लोगों से सरकार हमारी बन रही थी और सरकार का नाजायज़ फ़ायदा इन लोगों ने लिया यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी धोखा दिया यहाँ के लोगों को भी धोखा दिया ये इन्होंने इस पार्टी के मुखिया के साथ धोखा करने का काम किया यहाँ के लोगों के साथ धोखा करने ये लोगों के अगर काम कराते तो पंद्रह हज़ार वोट नहीं आते दोबारा से एम जनता लोगों को इनको बनाती और अब जे पार्टी में आप देख लीजिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अब ये बहुत जल्दी पार्टी छोड़ने वाले हैं क्योंकि ये बयान उन्हीं से प्रेरित होते हैं अब ये कहीं ना कहीं किसी पार्टी के अंदर साँगाठ करने की कोई बात चल रही है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत जल्द जे पार्टी छोड़ने वाले हैं और बहुत बार ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि इन्होंने दादरी की तीन साल के दौरान कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं किया आज भी यही साठ गांठ चल रही है इनकी कि अपने रिश्तेदारों को किस प्रकार से अच्छे पदों पर रखा जाए यही साँठगाठ चल रही है इनकी क्योंकि सरकार में है अब सरकार में कोई काम तो कोई किसी प्रकार के ये कर नहीं, नहीं। ना ये करवा रहे ना कोई आवाज़ उठा रहे एक चिट्ठी रखते हैं वो चिट्ठी पता नहीं कहाँ दबा रखी है दस बारह चिट्ठियाँ पंद्रह चिट्ठियाँ दबा के रखी हैं वो अपनी चिट्ठी जारी कर देते हैं अब उन चिट्ठियों का कोई मोल होता नहीं चिट्ठियाँ तो मैं भी हर रोज दस लिख दूँ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख आम आदमी लिख सकता है हाँ। आप जाके बैठिए ना कार्यालय में डी के कार्यालय में जाके बैठिए धरना दीजिए आप सरकार के नुमाइंदे हो आप दादरी के हालात देखिए जाके आकाश दादरी के किस नरक के जीवन में जीना पड़ रहा है दादरी के लोगों को दादरी की जनता को एक दिन भी आवाज़ नहीं उठाते यहाँ जब ये इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर आता है तो जाके उसके साथ बैठ के गोलगप्पे खा के आते हैं ये वहाँ बहुत आराम से बैठते हैं उसके साथ एक आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि लाभ के पदों पे रिश्तेदार बैठे हैं कहीं उनको दिक्कत ना आ जाए ये बिल्कुल बहुत गलत बात है जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाए ये व्यक्तिगत आरोप मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी परिवार के व्यक्तिगत आरोप किसी व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए और ये एक ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है कि विदेश में थे और वहाँ से जो है जब चौधरी बंसी लाल जी मृत्युशैया पे थे उस टाइम पर किरण चौधरी जी विदेश में थी तो ये एक ऐसा बयान है जिससे एक आम व्यक्ति को जो उनके चौधरी बंसी जी के अनुयायी रहे उनके समर्थक रहे उनको कही कहीं ना कहीं ज़रूर ठेस पहुँचेगी क्योंकि किरण चौधरी जी ने 17 साल इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति को दे दी और 40 साल कांग्रेस पार्टी को अपना जीवन दे दिया आज तक उन्होंने पार्टी के अंदर कभी किसी प्रकार का कोई आरोप उनके ऊपर लगा नहीं सकता उन्होंने सच्चाई से ईमानदारी से यहाँ के लोगों की सेवा की जब वो मंत्री थी पब्लिक हेल्थ की तो आप देखिए कितने हजारों करोड़ के विकास कार्य दादरी भिवानी महेंद्रगढ़ नारनौल पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने करवाने का काम किया सर सतपाल सागवान का कहना है कि जब जो किरण चौधरी है उससे ऊपर कोई निकलता है राजनीतिक पद में वो भी कहीं ना कहीं पैरलर उनके आ गए थे इसलिए उनको काटने का काम किया और हर उस इंसान को काटती है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में रहकर उनसे ऊपर निकलने की कोशिश करता है देखिए सतपाल सागवान जी की उम्र हो चुकी है अब और उनकी इस प्रकार की बातों से कोई मैं ये कह सकता हूँ कोई ज़्यादा मोल नहीं खाती हैं चीज़ें अब वो पैरलर उनकी और कहाँ चौधरी बंसी लाल परिवार और कहाँ सतपाल सांगवान कहाँ की बात कर रहे हैं वो वो एक चौधरी बंसी लाल के बनाए हुए विधायक थे दादरी की जनता की सेवा करते दोबारा फिर से विधायक बने सेवा करते लेकिन कोई सेवा किसी प्रकार की दादरी के लोगों की की नहीं वो एक बहुत बड़ा परिवार जिसने दाद पूरे प्रदेश की सेवा की वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति करने वाले एक ऐसे लो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं निर्माता विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वो और एक ऐसी व्यक्तित्व की धनी प्रण चौधरी जी जो अपने आप में ही एक नेता है जिनके नाम से ही एक झांसी की रानी के नाम से उनको पूरा प्रदेश जानता है और जब भी वो कभी किसी इलाके के अंदर जाती हैं तो आप देखेंगे कि भी हज़ारों समर्थक पूरे प्रदेश के अंदर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं उनसे बात करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और वो जिस प्रकार से कार्यशैली उनकी रही विधानसभा में जिस प्रकार से वो गरजती हैं विधानसभा में जिस प्रकार से अपनी बात रखती है पूरे प्रदेश की पूरे भिवानी जिले की पूरे दादरी ज़िले की तो वो बेबाकी से अपनी बात रखती हैं कोई किसी प्रकार का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा सकता जो आरोप सतपाल सांगवान ने लगाए ये एक अनर्गल बयान है ऐसे बयानों से कोई औचित्य नहीं बनता ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं है इनकी एक गंदी सोच के साथ इन्होंने और गंदी मानसिकता के साथ ये आरोप लगाए हैं इसके पीछे क्या कारण है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित बयान है वही मैं दोबारा से दोहराऊँ कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और ये आप देख लेना जे जे पार्टी को बहुत जल्दी छोड़ के जा रहे हैं मैं तो ये कहता हूँ कि पार्टी को इसको जल्दी निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये व्यक्ति किसी का हो ही नहीं सकता ये कभी किसी के नहीं हो सकते अजका में रहे अजका के नहीं हुए विकास पार्टी में रहे विकास पार्टी के नहीं हुए कांग्रेस में रहे कांग्रेस के नहीं हुए अब जे में देख लेना आप बहुत जल्दी आप दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनको भी धोखा देके बहुत जल्दी निकाले क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़वाए इनको अपने किसी व्यक्ति को चुनाव ना लड़वा के एक ऐसे व्यक्ति को क्योंकि जब पार्टी अपने किसी उम्मीदवार को चुनाव नहीं लड़वाती क्योंकि तीन दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी तीन दिन में ही टिकट ले आई ऐसा क्या था आप ये देखिए ना कि वो टिकट किस प्रकार से आई होगी जब व्यक्ति एक दिन पहले जब टिकट लेके आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार से सम्मिलित भी हो सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति को तीन दिन पहले टिकट दी और वो आज दोबारा से फिर उसी पार्टी को धोखा दे दिया तो ये व्यक्ति कभी किसी का नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत फोगाट हमारे साथ मौजूद है इनका कहना है कि सतपाल सागवान ने जिस तरह से किरण चौधरी के बारे में जो कहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए हालांकि इनके व्यक्तिगत विचार हैं इन्होंने कहा है कि जिस तरह से सतपाल सागवान ने बिना औचित्य के जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं बेबुनियादी हैं चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें खबरों का सिलसिला जारी रहेगा